ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं समन्वय होता है। मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है, कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो वही दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। हम देखते हैं आज अपने विचारों अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठनम, पति रूपे निवेश है, यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आए। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे, लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है। साथियों,
आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम इस भाव को आत्मसात करें। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.